हाय एवरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ टुडे आई एम प्लस एमसीक्यूज लेट्स आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन इन सभी लोग सेशन को जॉइन इन कर लो द क्लास इज बिगिन द मोस्ट अवेटेड क्लास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास फोर टूडे इज हर करंट अफेयर आप सभी के साथ आज मैं कवर करने वाली हूँ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ लेट्स बिगिन अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर दो सभी लोग हाय रिया गुड गुड इवनिंग आफ्टरनून इज ओवर सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो चैनल अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड टेल देम दैट सीवीटी की बेस्ट प्रेपरेशन इस यू, यूट्यूब चैनल पर मिल रही होगी लाइक कर दो इस सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ

फर्स्ट डेट एंड डेट सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल रहा होगा सभी लोग लो ज्वाइन कर लो सी यू टी गोकुल छाबड़ा को फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फर्स्ट फीमेल सिख जज फर्स्ट फीमेल सिख जज जो बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिसके प्रेजिडेंट हैं जो बिडन वहां पर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बिडेन इज द प्रेजिडेंट एंड कमला हैरिस जो है कमला हैरिस इज द वाइस प्रेजिडेंट सो फर्स्ट फीमेल सिख जज कौन बन गई है यूएस की करेक्ट आंसर बताइए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सब लोग आंसर करो चैट बॉक्स में सो दैट आई नो दैट यू गाइज आर लर्निंग आप सभी को समझ आ रहा है लॉट ऑफ यू रिक्वेस्ट कि आप वेट करा करो मैं हमारी हमें आंसर करने दिया करो आप लोग आंसर करो आई वेट फॉर यू ठीक है देखते हैं आप लोग में से कितने लोग आंसर कर पाते हैं करेक्ट आंसर बताओ फर्स्ट फीमेल सिख जज कौन बन गई है वेरी गुड करेक्ट आंसर इज मनप्रीत मोनिका सिंह मनप्रीत मोनिका सिंह डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स देन मनप्रीत मोनिका सिंह इज द राइट आंसर वाशिंगटन डीसी एक स्टेट है यूएस स्टेट 50 या 51 स्टेट्स स्टेट हैं समेरा रेड दैट वाशिंगटन डी सी हैज बिकम द फिफ्टी फर्स्ट स्टेट ऑफ यू एस यूएस में क्या है यूएस पूरा स्टेट्स में डिवाइडेड है ठीक है Then, uh, who has been विद with the lifetime achievement award at the opening ceremony फिफ्टींथ edition हुआ था जयपुर international film festival का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है हाय कृष्णा गुड इवनिंग चलो आंसर करो इस क्वेश्चन को हु हैज़ वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैज बीन वन बाई वन एंड ओनली अपर्णा सेन अपर्णा सेन को मिला है क्या मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन इज द राइट आंसर अपर्णा सेन जो है इंडियन फिल्म डायरेक्टर है स्क्रीन राइटर है एक्ट्रेस है जो कि बंगाली सिनेमा में जानी जाती हैं उन्होंने उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं एज एन एक्ट्रेस फिल्म मेकर नाइन नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं फाइव फाइव फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हुए हैं थर्टीन बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स को मिले हुए हैं तो अपर्णा सेन एक इन फिल्म डायरेक्टर हैं स्क्रीन राइटर है एक्ट्रेस है बात समझ आ रही है सी इज द राइट आंसर अपर्णा सेन इज द राइट आंसर देन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप इसको मिला है हार्वर्ड लॉ सेंटर ने दिया है लाइफ टाइम सर्विस में इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड हैज बीन गिवन बाय हार्वर्ड लॉ सेंटर लॉ स्कूल सेंटर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हु करेक्ट आंसर बताओ करेक्ट आंसर इज आर करंट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ही इज अ 50थ सीजेआई इनसे पहले थे जस्टिस यू यू ललित आप कौन हैं अब हैं डीवाई चंद्रचूड़. इनके फादर जो है 16थ सीजेआई रह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनका नाम था वाईवी चंद्रचूड़. उदय ललित जो मैं बता रही थी 49थ थे राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बी इज द राइट ऑप्शन फास्टेस्ट प्लेयर जिसने 1500 हंड्रेड रन स्कोर करे हैं टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ बॉल्स दैट वर फेस्ड टू हिम तो फर्स्ट फास्टेस्ट है नॉट फर्स्ट फास्टेस्ट प्लेयर सबसे जल्दी उन्होंने किया है सबसे कम टाइम में किया है फास्टेस्ट प्लेयर टू डू सो वॉज सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1500 हंड्रेड रन जो है स्कोर करे हैं एंड ही प्लेस फॉर मुंबई इंडियंस इन आई पी एल इंडियन क्रिकेटर हैं ये इंडियन क्रिकेटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हैज वन द गर्ल्स अंडर 15 स्क्वाश टाइटल एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट इन यूके बिन बिघम यूके में हुआ था ये हैज वन दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग सो किसको मिला है गर्ल्स अंडर फिफ्टीन स्क्वाश टाइटल

कॉन्ट्रीब्यूशन टू कोविड नाइन्टीन बाय वे ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवन करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग रहा नाटो नाटो फ्रॉम द मूवी आर 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 जिसने किसने डायरेक्ट है इसको आर आर रज आर, आर, नहीं एस एस रजमोली राजमोली तो किस कंपोजर uh, कौन थे उस गाने के करेक्ट आंसर इज एम एम कीरावानी एम एम कीरावानी वाज़ द कंपोजर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटो नाटो फ्रॉम द मूवी आर 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 ठीक है आर 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 मूवी को काफी और अवार्ड्स भी मिले हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है देन इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ किया है टू एनहैंस कोऑपरेशन द ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स के लिए क्या करते हैं आप उसने अग्रीमेंट कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो हैज कम इन टू एन अग्रीमेंट कि हम एक दूसरे को ट्रेन करेंगे तो कौन सी कंट्री के साथ उन्होंने किया है दे हैव डन दिस विद पनामा पनामा इज़ वन ऑफ द यूएस स्टेट्स ठीक है स्टेट्स यहाँ पे स्टेट्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं अपने आप में इंडिविजुअल भी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक द सेशन एवरी वन फटाफट से सेशन को लाइक कर दो सभी लोग सेशन लाइक कर दो इंपॉर्टेंट है सेशन लाइक करना इट रीचेज द मैक्सिमम स्टूडेंट्स सेशन को लाइक कर दो सभी लोग अलॉट ऑफ यू आर वॉचिंग द सेशन बट यू हैवेंट लाइक द सेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड कौन सी फिल्म शॉर्टलिस्ट करी गई है ऑस्कर्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए अभी क्या शॉर्टलिस्ट करी गई है नॉमिनेशन नॉमिनेट करी गई है नॉमिनेशन मिला है सो कौन सी फिल्म को शॉर्टलिस्ट करा गया है द कश्मीर फाइल्स द कश्मीर फाइल्स हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं इंडियन एयर फोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कमेंसिंग विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वीर गार्जन एक्सरसाइज हुई है एट हयाकुरी एयरबेस इन जापान फर्स्ट एडिशन था इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है uh, उन दोनों के बीच में हुई है वीर गार्जन हुई है पूछ सकते हैं जापान में हुई है फर्स्ट एडिशन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं एमिनेंट टेक्नो एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर के के गफार्स ऑटोबायोग्राफी है नाजन साक्षी मतलब आई एज अ विटनेस हैज़ बीन रिलीज बाय किसने रिलीज़ करी है इसको महेंद्र सिंह धोनी जी ने रिलीज़ करी है जो कि हमारे इंडियन uh, क्रिकेटर है हैं हैज नाउ रिटायर्ड एंड एमिनेंट टेक्नो एजुकेशनिस्ट हैं ये एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर के, के अब्दुल गफ़ार की ऑटोबायोग्राफ़ी है ये नाजन साक्षी ठीक है करेक्ट आंसर इज डी देन ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी बुक हैज बीन रिटन बाय हु एनाटॉमी क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज करेक्ट आंसर इज सी अश्विनी कुमार द्विवेदी इज द राइट आंसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है उन्होंने बेसिकली रिलीज़ किया है हैज़ रिलीज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है फंक्शन के दौरान एट न्यू डेली इट्स एपनिंग ठीक है तो वो पूछ रहे हैं कि uh, इसका थीम क्या है फेब ट्वेंटी एट को ये सेलिब्रेट होगा फेब ट्वेंटी एट को ये सेलिब्रेट होगा थीम है इसका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग डी इज द राइट ऑप्शन ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज लाइक द सेशन फटाफट सेशन को लाइक कर दो सभी लोग डी इज द राइट ऑप्शन ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग राइट देन डवेन प्रेटोरियस हैजनाउंसड हिज रिटायरमेंट इन्होंने रिटायरमेंट जो है ले ली है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स एक ऐसी ब्रिक्स uh, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका यह सब पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है मींस कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी अगर वहां पर हो रही है तो वो डिजिटली हो रही है ऑनलाइन हो रही है बाय यूज ऑफ इंटरनेट हो रही है तो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इज केरला केरला इज द राइट आंसर केरला करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं केरला के सीएम कौन है पिनराई विजन इसके सीएम है इसके गवर्नर कौन है इसके गवर्नर है एफ मोहम्मद खान ठीक है लॉट ऑफ यू आर वॉचिंग द सेशन फटाफट से सेशन को लाइक कर दो सभी लोग आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू लाइक द सेशन सेशन को लाइक कर दो फटाफट से सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पहले तो मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के नितिन गडकरी हैं नितिन गडकरी इज मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो रोड सेफ्टी वीक जो है फॉलो कर रहे हैं 11 से 17 जनवरी में ठीक है एंड दैट्स इट वो रोड सेफ्टी वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है 11 से 17 जनवरी के बीच में देन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया के पी कौन है एंथनी एल्बनीस एंथनी एल्बनीस इज द पी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड उन्होंने डिसाइड किया है कौन सी लैंग्वेज को स्कूल्स uh, में जो है इंक्लूड uh, किया जाएगा करेक्ट आंसर इज पंजाबी पंजाबी को इंक्लूड किया जाएगा इन स्कूल्स तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजाबी इज द राइट आंसर इंडियन हाई कमीशन ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश हिंदी चेयर एज एट सबार यूनिवर्सिटी इन विच कंट्री तो हिंदी चेयर जो है श्रीलंका में हो रहा है श्रीलंका के साथ हम सी शेयर करते हैं एंड श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री देरफोर मानी जाती है श्रीलंका तमिलनाडु की डायलैक्ट uh, सेम uh, है ठीक है इफ डायलैक्ट इज द राइट वो टू यूज नेबरिंग कंट्री तो हिंदी चेयर जो है श्रीलंका में इस्टेब्लिश हो रहा है सो एंड सो यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर जो है हेल्प करेगा फैमिलाइज करने का uh, स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में उसकी हिस्ट्री के बारे में कल्चर के बारे में और हिंदी uh, जो एज अ लैंग्वेज है उसको पॉपुलराइज़ करेगा ठीक है देन न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्न योजना ठीक है ये जो है ये फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को सी इज राइट ऑप्शन अन की स्पेलिंग कभी कभी ये भी हो जाती है अन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन योजना फोर्टींथ एडिशन हो रहा है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कहाँ पर हो रहा है इट इज़ हैपनिंग इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैपनिंग इन मुंबई वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हो रही है कांग्रेस से क्या समझ सकते हैं कांग्रेस दस मीन मीन पोलिटिकल पार्टी ही और कांग्रेस रैदम मीन्स मीटिंग जॉइंट मीटिंग वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जो इकोनॉमी है तो वो ग्रो करेगी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में किस रेट पे ग्रो करने वाली है सो करेक्ट आंसर है 6.9 परसेंट पे 6.9 परसेंट पे जो है ग्रो करने वाली है वर्ल्ड बैंक के जो दो मेन ऑर्गन्स काम करते हैं ऐसे इसके फाइव ऑर्गन्स है बट आई बी आर डी एंड आई डी ए काम करती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये जो है फिर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जो सबसे ज्यादा पुअर नहीं होती है उनके लिए काम करती है आई डी ए काम करती है पुअरेस्ट ऑफ पुअर कंट्रीज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंट्रीज होती हैं उनको लोन देना उनके उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है ठीक है सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट इज द राइट आंसर इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप

अच्छा अफ़ान जो आपने बता रहे हो ना तो वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन नहीं था कल मैंने जो सेवन पॉइंट जीरो प्रोजेक्शन बताया था वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का था विच इज़ रिलीज बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है वो अलग था यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है ना अब आपको समझ आया अफ़ान तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग आ, सोचते हैं कि आगे किस उस पर जो है ग्रो कर सकती है देन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजिडेंट कौन है कॉप ट्वेंटी एट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के सुल्तान अल जबर है ठीक है कॉप ट्वेंटी एट के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के प्रेजिडेंट इन्होंने पूछे हैं कॉप ट्वेंटी एट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ठीक है और कॉप ट्वेंटी सेवन इजिप्ट में होगी कॉप ट्वेंटी एट जो होगी वो अरब में होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सुल्तान अल जबर ये कुछ कल्चर मिनिस्टर हैं वहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस आ रहा है ऑनलाइन गेमिंग में कहाँ पर सेटअप होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग को सो इट इज कमिंग अप इन शिलोंग शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न्यूट्रिशनल स्पॉन्सरशिप के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंदाना जो कि इंडियन वुमन है वुमन क्रिकेटर हैं इनफैक्ट इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वो ले लिया है रिज़ाइन कर लिया है काफ़ी गेम से रिजाइन uh, ले लिया है शी इज ऑल्सो रिजाइन रिटायरमेंट इज राइट वर्ड टू यूज रिटायरमेंट बेटर वर्ड है रिटायरमेंट ले लिया है ठीक है तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सेलिब्रेट किया है विच एडिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटर वेटरन कौन हो चाहता तो स्पेशलिस्ट होता है जो बहुत टाइम से काम कर रहा है परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं एपिटामी होता है तो कौन सा एडिशन आर्म फोर्स वेटर डे का सेवेंथ एडिशन जो है फोर्टीन जनवरी को मनाया जाएगा देन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स मोंगी मोंगीत फेस्टिवल जो है कौन सेलिब्रेट करता है असम सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द यू शुड नो एंड डांस फॉर्म्स देन अली बाबा ने कौन सी कंपनी सेल्स विच कंपनी स्टेक फाइव मिलियन वाया ब्लॉक टीम किस किसका जो है कौन सी कंपनी का स्टेक वन ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर वर्थ सेल किया है पेटीएम में जो उसका स्टेक था अली बाबा है सोल्ड दैट ठीक है देन पेटीएम टी वॉज़ फाउंडेड बाय चंद्रशेखर शर्मा ठीक है वो जो कि पेटीएम के सीईओ हैं आई थिंक नेम जो है विजय शेखर शर्मा नॉट चंद्रशेखर विजय शेखर शर्मा ये एक टाइम पे यंगेस्ट मिलेनियर थे मिलेनियर या बिलीनियर इनको अवार्ड मिला था आई थिंक इन ट्वेंटी सेवेंटीन यंगेस्ट रिचेस्ट पर्सन थे ये देन ह्यूगो लॉरिस ने अनाउंस किया है एट रिटायरमेंट एट द एज ऑफ थर्टी सिक्स ह्यूगो लॉरिस फुटबॉलर हैं याद रखना आप लोग देन प्रवसी भारतीय सम्मान जो है अवार्ड किया जा रहा है थर्टी सिक्स पीपल को आई थिंक अवार्ड किया जा रहा है थर्टी सिक्स नहीं आई थिंक आई एम अनेबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस की वजह से दिया जाता है जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर कितने लोगों को प्रवासी भारतीय जो है सम्मान दिया गया आई थिंक थर्टी पीपल गोटेड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन एन आर आई इन सबको मिलता है हाउ मेनी पीपल हैव बीन कॉन्फोर्ड लाइट मी जस्ट ट्वेंटी सेवन पीपल ट्वेंटी सेवन पीपल को लेकर नॉट थर्टी सिक्स प्लीज़ करेक्ट दिस नंबर ट्वेंटी सेवन पीपल हैव गॉट ठीक है फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है किसने जीता है थिरू कुमार नादेशन ने जीता है हुज़ बीन अवार्ड फॉर इट कॉन्ट्रीब्यूशन आई मीन ट्वेंटी सेवन पीपल हैव गॉट बट ऑल्सो जैसे हमने देखा था घुयान के प्रेजिडेंट को भी मिला है ठीक है ऐसे ही थीरू कुमार नादेशन को भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर के लिए मिला है ठीक है देन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक फॉरन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है सुरभी उनका नाम है सुरभी जखमोला जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है बी की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है इनके मोस्टली हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होता है जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल बॉडी बॉडीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ने, ने वर्चुअली मीन्स ऑनलाइन उन्होंने फ्लैग किया है एर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत तेजी से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं कनेक्ट कर रही हैं सिकंदराबाद जो है सिकंदराबाद कनेक्ट करेगी सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम चलेगी है, ठीक है सिकंदराबाद जो हुआ इज इन तेलंगाना एंड विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश देन नेक्स्ट देखते हैं इन विच सिटी फर्स्ट जी ट्वेंटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई अंडर जी ट्वेंटी इंडिया प्रेजिडेंसी कहाँ पर हो रही है इट्स हैपनिंग इन पुणे पुणे में ये हो रही है याद रखना देन नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है सोल ऑफ स्टील चैलेंज ऑन द ओकेजन ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे जिसका सेवेंथ एडिशन हुआ है सो so, वो कह रहे हैं सोल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ पर हुआ गया उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया ठीक है चैलेंजेस uh, जो दिए गए होंगे कि आप कितना कैसे uh, कितना वर्क कर सकते हैं इस चीज पे तो उत्तराखंड में ये हुआ ठीक है उत्तराखंड के सीएम बताओ कौन है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एंड uh, उत्तराखंड के अगर हम गवर्नर देखें तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है पहले बेबी रानी मौर्य थी अब गुरमीत सिंह है और इसका हाई कोर्ट उत्तराखंड का नैनीताल में है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीयूष गोयल जो कि हमारे मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है मार्क प्लेटफॉर्म जो कि फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स एंड ऑन्टरप्रनोर्स अक्रॉस सेक्टर स्टेजेस एंड फंक्शंस अच्छा तो फैसिलेट करने के लिए मैंटरशिप स्टार्टअप्स और ऑनटरप्रनोर्स किस किस सेक्टर में वो स्टार्टअप वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो उस सब चीज़ों के लिए जो है ये आया है मार्क स्कीम मार्क पोर्टल जो आया गया है मार्क प्लेटफॉर्म ठीक है तो ये मेंटरशिप के लिए करा गया है तो वो पूछ रहे हैं व्हाट डज द एम स्टैंड्स फॉर सो मेंटरशिप एडवाइसरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ मेंटरशिप एडवाइसरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ तो वॉट डज द एम स्टैंड फॉर स्विट स्टैंड फॉर मैंटरशिप ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुल्तान अल जवर जो है अपकमिंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशियेशन में करने वाले हैं सो so, uh, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कॉप ट्वेंटी एट कौन कर रहा है यू ए ई कर रहा है तो वो कौन है जो ये है ये प्रिसाइड करने वाले हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ने नेम किया ने 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 है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ही नेम किया ने है ठीक है दैन सोनिया गुजाजरा हेज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट मिनिस्टर बन गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल की ठीक है इंडियन औरिजिन की विमेन है ये एंड ब्राज़ील में बन गई हैं ठीक है एक बार सोनिया गुजा गुआजरा इनका हमें औरिजिन देखना ज़रूरी है वीमेन है ये ठीक है ब्राज़ीलियन इंडिजिनस एक्टिविस्ट हैं आई नो नो इ शी हैजनी लिंक विद इंडिया आई हैव टू चेक टाइम्स मैगजीन में भी ये काफ़ी बार जो है देखी गई हैं प्रेजिडेंट आउट गोइंग प्रेजिडेंट जेर बोल्सोनारो डिफीटेड इन अक्टूबर ठीक है बस विद इंडिया शी हैज़ नो लिंक आई थिंक बट शी इज इन न्यूज अलॉर्ट सोनिया गुआजा जरा तो शी बिलोंग्स टू ब्राजील और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल इंडिजिनस मीन्स लोकलाइट्स जो नेटिव होते हैं ठीक है लोकल लाइट्स की स्पेलिंग एक बार हाँ ठीक है लोकल लाइट्स वो करना क्या बोलते हैं लोकल लाइट्स कह सकते हैं स पीपल ठीक है नेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं स्टार इंडियन बैटर विराट कोहली है डैश हाइएस्ट रन स्कोर बन गए हैं फिफ्थ हाइस्ट रन स्कोर बन गए हैं इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट ओडिया रिसेंटली में देन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो पोस्ट करी जाएंगे ऑन असाइनमेंट दिस वी डन ऑलरेडी ठीक है सुरभि जकमोला उनका राइट आंसर हैम है उनका सुरभि

ओई सी डी के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है देन स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम किसने निकाले हैं किसने स्पेसिफाई uh, करे हैं वन एंड ओनली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ एस एस आई की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी uh, बॉडी है ये स्टैट्यूट है इसके पीछे और उसने जो है स्पेसिफाई करें आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम देन मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल किसको मिला है हैज बीन वन बाय आर बोनी गैब्रियल यूएस हैं ये मिस आई मीन शी हैज बीन मिस यूएस एस प्रायली पहले जो है आर बोनी गैब्रियल जो है मिस आई मीन मिस यूएस रह चुकी हैं ठीक है एंड अमेरिकन फैशन डिजाइनर मॉडल हैं ये मिस यूएस से 2022 रह चुकी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्फॉर्म किया है दैट बाय बिच ईयर द इंटायर कंट्री विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को मोर एक्यूरेट एक्यूरेटली जो है मेजर करने वाला है तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक वो बोल रहे हैं मोर एक्यूरेटली जो है uh, करेगा दिस डॉपल डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क ठीक है करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव रिचेस्ट वन परसन इन इंडिया जो रिचेस्ट पीपल हैं, उनके पास फोर्टी परसेंट ऑफ द वेल्थ है दैट इज वॉट इट इज सेम ठीक है फोर्टी परसेंट ऑफ द वेल्थ जो है उन रिचेस्ट एक परसेंट लोगों के पास है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफाम रिपोर्ट ऑक्सफर्म रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो ऑर्गनाइजेशन जो इस रिपोर्ट को लॉन्च करती है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सफैम जो है इंडियन एन जी ओ है ये ऑक्सफैम इज द एन जी ओ जो कि चाइल्ड एजुकेशन वूमेन एम्पावरमेंट इन सब चीज़ों के लिए काम करती है ऑक्सफैम अ मूवमेंट टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ठीक है ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल इशूज़ पर काम करती है जेंडर जस्टिस के ऊपर काम करती है ये सब चीज़ों के ऊपर काम करती है न्यू uh, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है ऑक्सफैम का एन है जो कि पॉवर्टी हंगर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करती है ठीक है विद दिस वी कम टू एन सेशन आई होप समझ आ गया सभी को आई हैव ट्राइड टू कवर द मैक्सिमम क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है आप इन क्वेश्चन को प्लीज फटाफट से कर लो ठीक है एंड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो संभव बैच को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्लीस्ट अपनी सी यू ई टी की प्रेपरेशन स्टार्ट करो फुल फ्लैजड प्रेपरेशन चालू हैं आप ज्वाइन कर सकते हो संभव बैच को एट द कॉस्ट ऑफ फोर ट्रिपल नाइन इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो सिक्स थ्री नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू वन टू ठीक है आपका सेक्शन वन इंग्लिश एंड हिंदी कवर हो रहा होगा सेक्शन टू कॉमर्स ह्यूमैनिटीज एंड साइंस सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट इन शॉर्ट आपके तीनों ही सेक्शन जो है कवर हो रहे होंगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड बेनिफिट उठा सकते हैं एट दी अर्लीस्ट ठीक है द सूनर द बेटर ठीक है जितना आप लेट करोगे उतना आप और अपने चांसेस कम कर रहे हो ठीक है तो आप फटाफट से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो विद आस और विदाउट अस दैट इज़ योर चॉइस अगर आप अपने आप भी करना चाहते हैं तो आप लोग को अब जो है अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए प्लस uh, इस बैच से बहुत स्टूडेंट्स ने बेनिफिट किया था एंड देर इन द टॉप नॉच कॉलेजेस मिरांडा एस आर सी सी हिंदू हंसराज बेस्ट टॉप नॉच कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं एंड आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो सो वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज टेलिंग मी दैट अभी उन्होंने मेरे को फैकल्टी के बाद देखा सो आई मीन फैकल्टी ऑफ लॉ येस आई कम अक्रॉस अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे थैंक मी फॉर द क्लासेज दट देव गॉड इंग्लिश क्लासेज मैं पढ़ाती हूँ जैसे जैसे मैं जी के पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाते हैं एंड वी हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि हर स्टूडेंट जो है सेम वेव लैन पर नहीं होता तो सब स्टूडेंट्स के ऊपर काम किया जाता है राइट ऑल राइट थैंक यू सो मच एंडट सेट फो टूडे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं संभव बैच को ठीक है डाउनलोड कर लो लर्न करो ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप फ्री बैचेस चेकआउट करो जाकर एंड पेड बैचेस भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं सी ई टी बाई गोकुल चावला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो इंडिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट चैनल है फॉर सी ई टी ठीक है ऑल राइट थैंक यू सो मच टेक केयर सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय होप इट वॉज हेल्पफुल बाय